नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने सेहत के बारे में सोच सके। ऐसे में लोग बीमार पड़ने लगते हैं या फिर ये कहें कि बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जिसकी वजह से हम अपने अंदर कोई ऊर्जा महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में निमोनिया, डायरिया और फ्लू की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं निमोनिया की। बच्चों में निमोनिया फेफड़ों का एक कॉमन इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया या वायरस होता है। फेफड़े से जुड़ी गंभीर बीमारी होने की वजह से निमोनिया से हर साल कई बच्चों की मौत हो जाती है। निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है जो खांसने, छींकने, छूने और सांस के जरिए भी फैलती है। वहीं डायरिया को दस्त के तौर पर भी जाना जाता है। ये एक बीमारी है जो बच्चों को सामान्य की तुलना में ज्यादा शिथिल या ज्यादा मल पास करती है। ये बीमारी गैस्ट्रो एंडराइट्स से होती है, जिसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है, जिसमें माइक्रोबियल संक्रमण के कारण बच्चों के पेट या आंत में सूजन आ जाती है। इसमें मरीज को तेज बुखार रहता है और उल्टी दस्त के लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। वही फ्लू बीमारी जुकाम से अलग अलग तरह की बीमारी होती है। जुकाम 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के वायरस से हो सकता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस ए, बी और सी के कारण फ्लू होता है। ए और बी प्रकार के वायरस बड़े पैमाने पर मौसमी प्रकोप फैलाते हैं। सी वायरस श्वास से संबंधित बीमारी का कारण बनता है। फ्लू का टीका हमें ए और बी वायरस से सुरक्षित रखता है, जबकि सी वायरस के लिए कोई इलाज नहीं है। निमोनिया और डायरिया की और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़े हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रत्ना मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। रीता मुखर्जी, सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे, आप दर्शकों को बताएं कि निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। फेफड़ों का इन्फेक्शन की एक बीमारी है, जिसमें बच्चे को तेज सांस लेने की समस्या, सांस की गति तेज चलना और सांस फूलना और बुखार जैसे लक्षण उसमें दिखते हैं। मैम कई बार देखते हैं कि बच्चे जो पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होते से ही उसे निमोनिया हो जाता है, तो आखिर ऐसी क्या वजह रहती है जो बच्चा पैदा होते से ही ये चीजें होने लगती हैं? बच्चे को जन्म के समय ही अगर निमोनिया है तो वो माँ के अंदर से ही संक्रमण बच्चे को हुआ है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बी इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है, जो माँ के अंदर से ही बच्चे को इन्फेक्शन वो होता है। कई बार बच्चे पेट में ही लैटिन कर देते हैं, मिकोनियम एस्पिरेशन होता है, उसके कारण भी बच्चे को निमोनिया होता है कुछ घंटों के उपरांत, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती। कमजोर वजन के बच्चों में भी फेफड़े ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं, इसके कारण भी इन्फेक्शन होता है। मैम जिस तरह से आपने बताया, बच्चा जिस तरह से पेट में होता है तभी से ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, तो क्या कोताही बरती जाए, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स जो नजर आए और पहले से ही ध्यान रखा जाए? जी, माँ को नियमित रूप से चेकअप अपना आना चाहिए, जो भी उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और अगर कुछ लीकिंग की समस्या या कुछ तकलीफ है उन्हें, तो वो उसका पहले से इलाज करा ले। और जिस तरह से बाद में निमोनिया होता है किसी बड़े उम्र को, या नॉर्मली हम देखते हैं युवा भी आजकल बहुत बीमार पड़ रहा है, उनके लिए क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगी? आजकल के माहौल में जो है वो प्रदूषण की समस्या ज्यादा है और प्रतिरोधक क्षमता भी बच्चों की कम रहती है। 5 साल की उम्र तक के बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण उन्हें इन्फेक्शन और बीमारी जल्दी लगने का वो रहता है।
डायरिया की अगर हम बात करें मैम, तो डायरिया हम देखें तो आम बात हो गई है, लगातार डायरिया की हम देखें तो मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है जिस वजह से मरीज लगातार उनकी बढ़ोतरी हो रही है और कई बार हम देखते हैं कि मौत भी हो जाती है? डायरिया का मुख्य कारण जो है पानी, पानी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, पानी और खाना बाहर का, जो आजकल लोग ज्यादा ही खाना चालू बाहर का है, और बाहर का जो भी अनहाइजेनिक पानी या वो है, अगर हम उस चीजों को कंट्रोल कर ले तो हम डायरिया से बच सकते हैं। छोटे बच्चों में कुछ भी चीज मुंह में लेने से वो इन्फेक्शन पेट के अंदर जाता है, तो डायरिया को बचाने के लिए एक तो हम कंटामिनेटेड वाटर और ये सारी चीजों को रोके तो ठीक रहेगा, पानी साफ सुथरा ढका हुआ। और भी जिस तरह से डायरिया की लगातार तकलीफ लोगों को होती है, और क्या क्या चीजें ज्यादा से ज्यादा सेवन करें जिससे वो अच्छे से और उनकी बॉडी अच्छी रहे? खाने पानी का हम ध्यान दें, पानी उबालकर हम पी सकते हैं बरसात के मौसम में जी। खाना हम गरम, प्रेफरेबली बच्चों को खाना गरम दे, रखा हुआ या बासी खाना ना दे बच्चों को, बाहर की चीजें खाना बंद करें, जो इन्फेक्टेड हो बाहर के फूड वो सारी चीजें हम बच्चों को अलाउ ना करें। फेफड़ों में भी हम बहुत जल्दी इन्फेक्शन देखते हैं, बहुत कॉमन हो चुका है, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं उपाय? फेफड़ों का इन्फेक्शन जो है बाहर का प्रदूषण, बाहर का वातावरण, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, ये ज्यादा चीजें कॉमन है। बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता अगर ठीक रहेगी तो वो इन बीमारियों से, इन वायरस से लड़ने के से उनको वो रहेगा। इससे हम बच्चों को नियमित टीके दे सकते हैं, न्यूमोकोकल के वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन है, इससे ये काफी हद तक के हम इन बीमारियों को बचा सकते हैं और प्रदूषण से भी रोक सकते हैं बच्चों को बाहर जाने से। इंदौर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित। रोहित पूछिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सर्दी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ लोग कहते हैं अगर सर्दी है तो आइसक्रीम खा लीजिए, और सर्दी ठंडा वंडा खाने से नहीं होती है, ये तो बस एक वायरस से फैलती है, तो इसके बारे में बता दीजिए। बच्चे को तो हम ठंडी चीजों को अवॉइड करें जिससे वो बढ़ सकती है। मैम कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जिस तरह से इन्होंने भी क्वेश्चन किया, ठंड में अगर हमें सर्दी होती है हम ठंडी चीजें खाते हैं, तो कई बार ऐसी सलाह दी जाती है कि आप ठंडा खा लीजिए उससे नॉर्मल हो जाएगा, तो क्या ऐसा होता है? और जो जैसे फ्रूट्स रहते हैं बनाना हुआ, गुआवा हुआ, तो ये जो ठंडे किस्म के फ्रूट्स रहते हैं क्या इनसे भी प्रॉब्लम होती है? नहीं, इनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक मीट जैसा हो गया है, जैसे छोटे बच्चों को लोग केला नहीं देना चाहते हैं कि उससे ठंड लग जाएगी, नारियल पानी नहीं देना चाहते हैं उससे ठंड लग जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बट ठंड के सीजन में हम थोड़ी ठंडी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, और ठंडी चीजों खाने से ठीक हो और ना ठीक हो वैसा। और कई बार ऐसा भी होता है हम कुछ भी नहीं समय तय कर देते हैं कि शाम के बाद ठंडा फ्रूट नहीं लेना है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ठंडा दूध नहीं लेना है, दही नहीं लेनी है, तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है कि ठंडी चीजें खाने से या ठंडा वैसा होने से बच्चे को जल्दी, और कुछ बच्चों की तासीर भी होती है कि ठंडी चीजों से उन्हें लग जाता है ठंडा। लगातार हम देखते हैं कि खांसने की बीमारी लोगों को अधिकतर ज्यादा रहती है, खांसी लगातार बढ़ती जाती है और बहुत लंबे समय से हम देखते हैं, जांच करवाते हैं पर कुछ आता नहीं, पर खांसी बंद नहीं होती है, उसके लिए लोग क्या करें? उसके लिए अगर लंबी समय तक की खांसी है तो उसका सही रूप से सारे जांच बराबर से होनी चाहिए, सारे टेस्ट बराबर से होने चाहिए, जिसमें रूटीन ब्लड टेस्ट, एक्सरे, बलगम की जांच, ये सारी चीजें होनी चाहिए। किसी किसी को सुबह उठते से छींकने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बहुत ज्यादा छींकते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए क्या कुछ सलाह देना चाहेंगी आप? कुछ लोग
कुछ लोग जो छींकते हैं वो एलर्जिक टेंडेंसी होती है, जिसके कारण उनको लगातार छींक और ये सारी तकलीफ होती है। और क्या सलाह आप दर्शकों को देना चाहेंगी, किन चीजों से परहेज किया जाए, कौन सी चीजें नियमित रूप से ली जाए जो इन सारी चीजों से बचा जा सके? नियमित रूप से बच्चे को ठंड के मौसम में बाहर में रोकना चाहूंगी। ग्वालियर से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश सवाल कीजिए। सवाल है, मेरा एक 8 साल का बच्चा है, उसे हर साल निमोनिया हो जाता है सर्दियों में, तो मैं उसे बचाव के लिए क्या करूं? 4 साल में कितने बार हो चुका है उसे निमोनिया? हर साल ठंड के सीजन में ही होता है उसे। जी, जैसा कि उन्होंने बताया, हर साल ठंड के सीजन में ही निमोनिया होता है और लगातार 4 सालों से हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए बच्चों को ठंड से बचाइए, धूल से बचाइए, और बाहर जब भी आप जाते हैं तो बच्चे को ठंड के सीजन में स्पेशली आप उसे कवर करके ले जाइए और थोड़ा धूल दस्त से बचाइए। ठंड के सीजन में कई बच्चों को एलर्जिक टेंडेंसी भी रहती है, ठंड के लगने से उनकी सांस ज्यादा चलने लगती है, ये एक प्रकार का अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस होता है बच्चों में, जो कई बार ठंड के मौसम में ज्यादा होता है, जिसमें बच्चे की सांस ज्यादा तेज चलने लगती है। जी, अगर हम देखते हैं आजकल डायरिया एक कॉमन बीमारी हो गई है, हर किसी को होती है, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उसमें क्या कुछ चीजें हम लें जिससे इससे बच सकें? क्योंकि कई बार हम देखते हैं पेट की तकलीफ को लगातार जिनकी बढ़ती जाती है और दवाई पर मजबूर होना पड़ता है उन्हें। हम खान पान का ध्यान रखें, उसी से ही हम इन चीजों डायरिया जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें हमारा पानी साफ होना चाहिए और हमारा खाना फ्रेश होना चाहिए। आंतों में सूजन भी एक तरफ से हम देखें तो एक कॉमन बीमारी हो चुकी है, सूजन होना। जी, ये किसी ना किसी खाने में इन्फेक्शन, पानी में इन्फेक्शन के कारण ही होता है, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस ही बोला जाता है। ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। इसमें क्या मरीज को तेज बुखार भी हो सकता है, उल्टी दस्त भी हो सकते हैं, और क्या क्या लक्षण इसके होते हैं? जरूर उल्टी दस्त भी हो सकती है। फ्लू के बारे में अगर बुखार, उल्टी दस्त, लैटिन में खून भी, जी लैटिन में खून भी जा सकता है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? इस स्थिति में हम अगर ये बैक्टीरियल जैसा हमें लग रहा है बुखार के साथ है, तो हमें हाइड्रेशन अपना करेक्ट करके पानी की मात्रा, तरल चीजों की मात्रा ज्यादा लेना चाहिए। अगर बैक्टीरियल है तो साथ में एंटीबायोटिक, अगर लैटिन में खून जाना है तो। वही अगर हम जी फ्लू की बात करें, अगर हम तो लगातार स्वाइन फ्लू जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, फ्लू की बीमारियां हैं, तो उसके संक्रमण क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? छोटे बच्चों को फ्लू से बचाने के लिए, जैसे फ्लू के कारण बच्चों में तेज बुखार, ठंड लगना, थकान, कमजोरी और सांस की गति तेज चलना, नाक बहना, ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। और भोपाल से एक कॉलर हमारे साथ पवन जुड़ चुके हैं। कम होती है या कीटाणु, सवाल कीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे सर्दी हमेशा बनी रहती, चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हमेशा कफ बना रहता है गले में, तो क्या दिक्कत है? आप बराबर से, अगर लगातार आपको ये तकलीफ है, तो आप बराबर से अपना कंप्लीट चेकअप कराएं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट और ESR एंड एक्सरे टेस्ट एंड बलगम की जांच, आप सारी चीजें पूरी कंप्लीट कराएं। अगर लंबे समय से आपको खांसी या सर्दी की तरह समस्या है, और अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो आप उनसे बचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, जिस तरह से हम फ्लू की बात कर रहे थे, तो फ्लू के संक्रमण आप बता रही थी। जी, फ्लू खांसने, छींकने, छूने और आसपास में अगर कोई मरीज जो खांसी सर्दी का है और किसी बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता, उसे ये सारी चीजें जल्दी, ये संक्रमण जल्दी होने का डर रहेगा,
और बच्चों में सर्दी खांसी और निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है, इन्फेक्शन जल्दी लगता है बच्चों में। इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट लिया जाए, क्या क्या संक्रमण जिस तरह से आपने बताया, अगर ऐसे संक्रमण दिखाई देते हैं, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो फिलहाल के लिए क्या किया जाए जिससे जी फिलहाल अगर बच्चों में अगर सर्दी खांसी या निमोनिया का संक्रमण है तो बच्चों को तुरंत डॉक्टर को आप दिखाएं और सारी जानकारी उनसे लेकर, और बराबर जो भी तकलीफ है, अगर निमोनिया है, वायरल है, बैक्टीरियल है या कुछ और अदर कॉजेस के कारण है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लें। हमने सुना है फ्लू भी कई तरह के होते हैं, कौन कौन से तरह के फ्लू रहते हैं और क्या क्या उससे हो सकता है? फ्लू जो बेसिकली होता है वो इन्फेक्शियस ही होता है, जिसमें आपका इन्फ्लुएंजा ए और बी से होने वाले फ्लू है, जिसमें जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा और जो नॉर्मल फ्लू है उसमें नाक का बहना, छींक आना, बॉडी पेन, ये सारी चीजों से सारी चीजों की कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसमें कई बार थकान और ये कमजोरी भी हो सकती है, बच्चों में भूख भी नहीं लगना, बच्चों को चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और फिर से अगर हम डायरिया पर आए बात करें पेट से रिलेटेड, तो कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पेट की परेशानी हमेशा बनी रहती है, भारीपन हमेशा लगता है, फ्रेश होने के बाद भी कई ऐसे मरीज होते हैं हम देख रहे हैं, पेट की जो समस्या है लगातार जो लोग हैं उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन भर भारीपन रहना, खाना नहीं खाने से पहले भी भारीपन रहना, तो वो लोग क्या करें? पेट की समस्या जो आज का जो रूटीन शेड्यूल है या खान पान है, या हम आजकल बाहर की चीजें ज्यादा खाने लगे हैं, वो हम नियमित रूप से अपना डाइट एक प्रॉपर प्लान करें, डेली का जो शेड्यूल, और हम टाइम पे वो डाइट को वैसा रखें, और जिन्हें गैस की या पेट दर्द की या सारी समस्या है तो वो खाना नियमित रूप से बराबर खाएं, स्पाइसी तेल ये वाली चीजें ना खाएं। और कई मरीज हमने ऐसे भी देखे हैं जो तुरंत खाना खाने के बाद उन्हें वॉशरूम यूज करना रहता है, इसमें क्या लगता है किस तरह से सिम्टम्स इसके नजर आए कि कुछ बीमारी को, क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग ऐसे होते हैं सब खाना खाने के बाद उन्हें तुरंत जाना रहता है। नहीं, कई बच्चों में ऐसा रहता है, बच्चे हो या बड़े हो, माफ कीजिएगा आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर विमला हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी हाँ, दाने निकल आते चावल आमल खाने से या कुछ भी ऐसा खेला खाने से? चावल खाने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को दाना आए, वो रैशेस या जो भी दाने हैं वो किसी और चीजों के कारण हो सकता है, उसमें कुछ एलर्जी भी हो सकती है, किसी खाने या फूड से भी एलर्जी हो सकती है बच्चे को। मैम आप सवाल कर लीजिए या अपने टीवी सेट का आवाज कम कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ना हम तक आ पा रही है ना आप हमारी आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है जी, जैसा कि मैंने बताया आपको, डॉक्टर साहब ने बताया कि चावल से तो ऐसा नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है कुछ आप एडिशनल चीज ले रही हो जिस वजह से आपको दाने निकल रहे हो। खांसी भी आती है, खांसी भी बनी रहती है, खांसी भी बनी रहती है, तो नियमित रूप से एक बार आप बच्चों के डॉक्टर, आपके जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आप उनसे संपर्क करें और बच्चे की सारी समस्या या जो तकलीफ है, कंप्लेन है सर्दी खांसी की जो लगातार बनी हुई है, आप उसे एक बार चेक कराएं। चलिए, हम जिस तरह से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, लगातार बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो तुरंत खाना खाने के बाद उन्हें जाना रहता है, वॉशरूम यूज करना रहता है, तो आखिर क्यों ऐसा होता है? जी जी जी, कई बार पेट में इन्फेक्शन, अतलियों में इन्फेक्शन होने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि हमें खाना खाने के बाद वॉशरूम जाना लगे, पेट में ऐठन या दर्द, मरोड़ जैसा दर्द चालू होने के कारण फिर हमें वॉशरूम जाना पड़ता है।
कई सारे बच्चों में हम ये चीजें देखते हैं आजकल, जिस तरह से आप हमने अभी बात की, जो फास्ट फूड है उन्हें खाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है, मतलब उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतना खा सके, पर वो जबरदस्ती खाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका मोटापा भी बढ़ रहा है और शरीर भी खराब हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है जो उनका पेट नहीं भरता, वो लगातार खाते हैं और फिर भी ऐसा रहता है कि उन्हें भूख बनी रहती है। इसके पीछे वजह तो हम पेरेंट्स ही होना चाहिए कि हम उन्हें वो अलाउ करते हैं खाने के लिए, ये सारी चीजें बाहर की चीजों के खाने का हम अलाउ करते हैं। पर कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि कई बार थोड़ा बच्चे बाहर का खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिस वजह से लगातार बच्चे मांग करते हैं और खाना चाहिए और चाहिए। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है कि बाहर का खाने से ही बच्चे के पेट में कीड़े होंगे। हमें रेगुलर बच्चे को डीवर्मिंग कीड़े की दवाई बच्चे को हर 6 महीने में रेगुलर देना चाहिए। और कौन कौन से हेल्दी फूड जो आप सजेस्ट करना चाहेंगी बच्चे निमोनिया से, डायरिया से, फ्लू से बच सके और अच्छे से रह सके, स्वस्थ रह सके? बच्चों को गर्म खाना, घर का बना हुआ सारा खाना वो बच्चों को आप खिला सकते हैं। जी, पौष्टिक खाना जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा हो, बच्चे के हेल्थ के लिए घर का खाना अच्छा है। कई बार जिस तरह से बच्चों को आजकल खाना दिया जाता है तो बच्चे भी चटपटा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो कई तरह के मसाले जो रहते हैं कहीं ना कहीं कहा जाता है हानिकारक हैं, तो क्या वाकई में वो हानिकारक हैं? उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए? जी बच्चों, जी जरूर, बच्चों को खाना देने में आप कम से कम मसाले और तेल का यूज करें। बाकी आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी, क्या सलाह देना चाहेंगी? दर्शकों को मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि निमोनिया और डायरिया जो अभी इस सीजन में विंटर डायरिया और विंटर निमोनिया बहुत ज्यादा कॉमन है, हर एक छोटे बच्चे, 1 महीने के बच्चे से लेके 5 साल तक के बच्चे हमारे यशोदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी लगातार भर्ती हो रहे हैं, और कुछ जो है दवा से ठीक हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे निमोनिया है जो बड़े निमोनिया का रूप ले ले रहे हैं, और जिन्हें ठीक होने में कम से कम हमें 14 दिन का इंजेक्शन एंटीबायोटिक का कोर्स भी देना पड़ रहा है, जिसमें बच्चे की स्थिति में सुधार आने में कम से कम 10 से 14 दिन लग ही रहा है। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें निमोनिया और डायरिया का टीका, न्यूमोकॉकल और रोटावायरस का टीका आप जरूर से जरूर दें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये अहम जानकारी जो आपने दर्शकों को दी वाकई उनके लिए ये काम आने वाली है। और फिलहाल स्वराज सेहत में इतना, अगली बार फिर लौटेंगे नए मुद्दे के साथ।